और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश को प्रेरणा देने वाले किरदारों पर 7 शॉर्ट फिल्मों की सीरीज लॉन्च की है। नाम है आजादी की अमृत कहानियां। केंद्र सरकार और नेटफ्लिक्स मिलकर ऐसी 25 शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से भारतीय फिल्में आज हॉलीवुड की फिल्मों को भी टक्कर दे रही। अगर किसी ने कोई चीज करी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते हो। और हर जीत में है आजादी। कहानियां ऐसी जो जीवन बदल दे, प्रेरणा ऐसी जो आने वाले कल की तस्वीर और देश की तकदीर बदल दे। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश को मिला है जीते जागते कुछ ऐसे ही किरदारों की अमृत कहानियों का तोहफा। अमृत कहानियां जल्द ही सुनने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में देश को प्रेरणा देने वाली 7 महिलाओं की जिंदगी पर बनी शॉर्ट फिल्म की सीरीज रिलीज की। इसे नाम दिया गया है आजादी की अमृत कहानियां। सूचना प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स मिलकर 2-2 मिनट की 25 शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। ये शॉर्ट फिल्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूरदर्शन पर भी प्रसारित की जाएगी। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय मिलकर पोस्ट प्रोडक्शन, VFX, एनिमेशन, म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्मों में तकनीक के शानदार इस्तेमाल का भी जिक्र किया और कहा कि भारतीय सिनेमा आज हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है। Now the India has started using technology. One film after another has been in that direction, and I'm sure the Indian heroes will not only will be for the India but for the globe. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ रही सिनेमा की दुनिया हो या खेल का मैदान, प्रतिभाओं के मामले में छोटे शहरों का दबदबा शुरू से ही रहा है। You talked about India and Bharat, but if you look at the first generation of Indian directors and actors, the most of them they came from the smaller towns and cities. Even today, if you look at best of the talent, that they come from the smaller town and cities. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई प्रतिभाओं को आगे लाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म के योगदान की भी बात रखी। Earlier we used to look at politicians, cricketers, celebrities as influencers, but today the digital platform has given an opportunity for a common man and artist to perform and put on the any digital platform. We'll get millions and millions of views, employment, self-employment, recognition, and when companies are looking to spread a word and to hire some influencer, rather than looking at other categories, they look at these. दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आजादी शब्द जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर मोर्चे पर लड़ने वाली महिलाओं के लिए खास मायने रखता है। उन्होंने इस मौके पर कोसी के पुनरुद्धार में बड़ी भूमिका निभाने वाली बसंती देवी, एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला अंशु जमसेनपा और भारत की पहली महिला दमकल कर्मी हर्षिनी कान्हेकर को सम्मानित भी किया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।